खबर अलवर से है, जहां सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में जमकर भीड़ उमड़ रही है। अलवर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने भूत विहार में चल रहे स्थायी कैंप का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान मंत्री कल्ला ने कहा कि प्रदेश में कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति किसी भी स्थान पर योजना का लाभ ले सकता है। आमजन को महंगाई से राहत देने के इरादे से सरकार इन कैंपों का आयोजन कर रही है। प्रदेश में महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अलवर में प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ऐसे ही शिविर में पहुंचे हैं, शिविर का निरीक्षण किया है और लोगों को जानकारियां दी हैं कि वो कैसे 10 योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सर, खास तौर पर ये कि लोगों को कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, आपने एक बात क्लियर की कि नई योजनाओं के लिए नहीं इस कैंप में आए, जो पहले से योजना चल रही है उसमें अगर जो कोई लाभ बढ़ा है, सरकारी तरफ से लाभ बढ़ाया गया है, उसके लिए उस शिविर में आना है। निश्चित रूप से जो बजट में राहत दी गई है वो सही व्यक्ति तक सही राहत पहुंचे, इसके लिए कैंपों में रजिस्ट्रेशन का काम किया गया है ताकि सही लाभार्थी को सही चीज़ मिल सके। जैसे रसोई गैस है तो रसोई गैस जो है केवल मात्र 75 लाख लोगों को मिलेगी जो गरीब होंगे, तो उन व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको हर महीने 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। 100 यूनिट बिजली फ्री है तो 100 यूनिट बिजली के बारे में सबको आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए उनको सिर्फ जन आधार कार्ड लाना है और एक उनको बिजली बिल लाना है, इसमें के नंबर जो होता है वो उनको लेके आना। निश्चित रूप से बिजली का बिल, रसोई गैस के लिए उसका रसोई गैस का जो उज्ज्वला कार्ड बना हुआ है उसको, और इसके साथ साथ आधार कार्ड, ये तीन चीजें प्रमुख रूप से लानी है। जन आधार कार्ड, इसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसको कोई फोटो कॉपी नहीं लानी, वो चाहे तो पर्ची पर लिख कर ला सकता है, चाहे तो मोबाइल में फोटो खींच, किसी भी उसके पास आधार नंबर होना चाहिए, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे हाथ कागज में लिखा हुआ हो, चाहे उसको याद हो, उससे कंप्यूटर से उसका जन आधार कार्ड निकाल के। अच्छा, एक और बात है कि लोगों को जरूरी नहीं है कि उन्हें घर के मुखिया को ही आना हो, कोई भी उसमें जो बालिग है आ सकता है, इसका जन आधार में नाम हो। निश्चित रूप से जन आधार कार्ड में सारी जानकारी है, इसलिए घर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष या स्त्री आकर के इस कैंप में उसका लाभ ले सकता है। इस कैंप में क्या अपने वार्ड के कैंप में जाना जरूरी है? नहीं, कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी भी जगह जो कैंप लगा हुआ है उसमें जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अलवर वाला भरतपुर में करा सकता है, भरतपुर वाला भी राजस्थान में कहीं भी करा सकता है। महंगाई राहत कैंपों में लोगों की भीड़ लगी है। खास बात यह है कि कोई भी व्यक्ति जो घर में बालिक है और जन आधार कार्ड में जिसका नाम है वो इस कैंप में जाकर योजनाओं का लाभ ले सकता है। खास बात ये भी है कि वो ना केवल अपने वार्ड या जिले में, राजस्थान के किसी भी कैंप में किसी भी जगह का निवासी जाकर लाभ ले सकता है। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, अलवर।